सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। पिछले कुछ दिनों में आर्थिक विषयों पर हमारी जो आलोचना हुई है, उन आलोचनाओं को हम बुरा नहीं मानते हैं। हम एक संवेदनशील सरकार है, हम कठोर से कठोर आलोचना का भी हृदय से स्वीकार करते हैं और उचित स्थान पर संवेदना पूर्ण तरीके से उन आलोचनाओं पर भी गंभीरता से सोच करके और पूरी नम्रता के साथ देश की अर्थव्यवस्था को आज पूरा विश्व भारत की तरफ जो अपेक्षाएं कर रहा है, 125 करोड़ देशवासी जो अपेक्षा कर रहे हैं, उसी रिदम से, उसी तेज गति से, उसी व्याप से चला के रहेंगे। ये मैं हमारे आलोचकों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, नम्रता पूर्वक विश्वास दिलाना चाहता हूं।